देखो क्या स्टार्ट करना है बेटा, देखो ट्रांसफॉर्मर तो पूरा हो गया था टॉपिक पर ही, और दूसरे तो बात थी कोई चीज में नहीं आई पहले वाले टॉपिक में, कल जाके पढ़े ट्रांसफॉर्मर कोई भाई बता था क्या कोई कौन पढ़े क्या बात है, अब तो बात स्टार्ट ही हो हो गया क्या पढ़े का लगा क्या क्या है टाइम को मिले हो किधर है हम ब्रो किधर बैठक पार्टी ओ तो किधर बता बता ना तो नहीं सच्ची बता किसी के काम हो रहा है किसी को बढ़ता है बात दे हैं बढ़ता है साथ देना और ਉਹਨੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਲੀ ਗਮਾ ਅਨਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਲੀ ਗਮਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਬੜੀ ਆਪ ਕੋਲ ਮੁਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਤੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਚਲੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਲ ਖਾ ਲੈ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਬੰਨ चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं भैया, टॉपिक लिखना पड़ेगा बिजनेस की, कौन सी मोटर है भाई एसी मोटर डीसी मोटर है पहले से कंप्लीट है आपकी ठीक है, अपने तो स्टार्ट करना है ना उससे पढ़ेंगे थ्री फेज की एसी मोटर। देखो पहली बात है मोटर होता है, इससे पहले आपने अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ लिया टॉपिक, डीसी की मोटर भी पढ़ ली है, तो मोटर सभी को पता है क्या काम करेगी, मैकेनिकल एनर्जी देती है, क्या देती है मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ये तो उपकरण है ना आपने जो यूज कर रहे हो, एक प्रकार की वो मशीन है ना एसी की, वो क्या करेगी यहाँ पे डीसी मोटर, तो इसका तो वर्क यानी सबसे पहले इसके कार्य की अगर बात करूं इसका काम क्या है यानी वर्क समझ में आ रही मेरी बात, इसका जो काम है वो क्या कार्य करती है ये तो सभी को पता है, इसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता हूं, क्या देता हूं एसी, आप क्या करोगे इसको तीन खला या थ्री फेज एसी सप्लाई को किसमें कन्वर्ट करेगा ये मैकेनिकल एनर्जी यानी किसमें बदलता है यांत्रिक ऊर्जा, यानी आप ये भी लिख सकते हो कि तीन थ्री फेज एसी ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो मशीन है ना वो क्या कहलाती है आपकी एसी की मोटर कहलाती है, समझ में आ गई बात, यही आपने डीसी मोटर में क्या पढ़ा था, तो डीसी मोटर ने क्या किया था डीसी सप्लाई को किसने कन्वर्ट किया था यांत्रिक ऊर्जा, समझ में आ गई मेरी बात, तो ये तो था किसमें डीसी मोटर में था, किसमें था डीसी मोटर के अंदर, ये डीसी मोटर क्या कर रही है आप डी सप्लाई दे रहे हो किसमें कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि सभी को बात का पता ये भी है कि जो आपके पास ऊर्जा है ना ऊर्जा उसको कभी पैदा नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को किसी रूप से आप पैदा नहीं कर सकते, यानी जो एनर्जी है ना ये एनर्जी जिसे अपने क्या बोलते हैं ऊर्जा कहते हैं ये कभी पैदा नहीं होगी, इसके बार बार क्या होते रूप चेंज होते, जैसे सिंपल सी बात नहीं आपने अल्टरनेटर में क्या किया था आपने उसको दिया था कौन सी ऊर्जा दी थी मैकेनिकल दी थी, कौन सी दी थी मैकेनिकल दी थी, उसने किस पे कन्वर्ट कर दिया था विद्युत ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो मशीन है उसको अपने क्या बोलते अल्टरनेटर कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने वाली जो मशीनों से क्या बोलते हैं डीसी का जनरेटर बोलते हैं, डीसी मोटर में क्या इसका बिल्कुल उल्टा है एसी मोटर में क्या इसका बिल्कुल क्या है उल्टा है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि जो ये ऊर्जा है ना ऊर्जा कोई प्रकार की ऊर्जा चाहे अपने पास रासायनिक ऊर्जा है ये भी कभी पैदा नहीं होती, इसका रूप चेंज हो सकता है, इसे मैंने दो तीन बार प्रश्न पूछा भी गया है, जैसे आपके पास चारकोल या क्या बोला जाता है कोयला, नाम सुना सभी ने, ये प्रश्न पिछली बार आया भी था कि कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है, तो कोयला क्या एक रासायनिक पदार्थ है, क्या है ये रासायनिक पदार्थ, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी रासायनिक,
और जब इसका दहन होगा तो कौन सी ऊर्जा बन जाती है, तापीय ऊर्जा या आप क्या बोल सकते उसमें ऊर्जा होगी। ऊर्जा कोई है वो किसी प्रकार से पैदा नहीं होती, ऊर्जा के बार बार क्या होते हैं रूप चेंज होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। इसे ईंधन का क्या काम है, ईंधन का नाम सुना सभी ने, डीजल इंजन। मान लिया आपके पास डीजल इंजन है तो वो क्या करता है, उसके पास क्या रासायनिक एनर्जी है, क्योंकि डीजल में क्या है रासायनिक ऊर्जा। आप तो डीजल को यूज कर रहे हो तो डीजल आपके पास क्या कर रहा है, डीजल आपको रासायनिक ऊर्जा देगा। तो डीजल आपके पास क्या है रासायनिक पदार्थ है, और इसके बाद क्या होगी इसके अंदर हीटिंग को मेंटेन करे, इसका दहन होता है वहां पे किसके अंदर, इंद्र का जो पार्ट है उसमें इसका क्या होता है दहन होता है। दहन के बाद आपके पास क्या बनती है, बाद में मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। वही बात है कि नॉर्मल सी बात है, पहली बात ऊर्जा पैदा नहीं होती, ऊर्जा के बार बार क्या होती है रूप चेंज होती है। तो यहाँ पे डीसी मोटर क्या करती है कि जिस डीसी मोटर आपके पास सॉरी एसी की मोटर क्या करती है, उसका क्या काम है, तीन किला आपने पहले पढ़ रहे हैं, तीन किला एसी सप्लाई को ये किसमें चेंज करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में। बदलने वाली जो मशीन है वो क्या कहलाती है, आपकी एसी की मोटर कहलाती है। अब वो थ्री फेज की है या वो सिंगल फेज, ठीक है, लिखो पहले एक लाइन डालो। तीन कला ऐसी विद्युत ऊर्जा को, तीन कला ऐसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो मशीन है, बदलने वाली जो मशीन है उसे एसी की मोटर कहा जाता है, यह किसका हो गया काम, ये इस काम के लिए यूज होती है। अपने को मैकेनिकल एनर्जी ये क्या करेगी देख, समझ में आ गई बात। अब देखो इसके बाद आता है एक बात, सिंपल सी बात है कि जो ये एसी की मोटरें होते हैं, थ्री फेज की एसी की मोटरें, इसमें अपने दो पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि तीन किला एसी की मोटर उसके दो भाग आते हैं। वर्क के बाद में अगर बात करता हूं दो प्रकार की मोटरें बनती हैं, कौन कौन सी बनती है वो बात करेंगे। थ्री फेज एसी मोटर तीन प्रकार की होती है जी, दो प्रकार की, कौन कौन सी होती है बता सकता है कोई भी, अरे बोलो कोई, हाँ जी दो टाइप की होती है। आपको ये पूछ रहे थ्री फेज की मोटर कितने प्रकार की, तो मैं बोलूंगा दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, हाँ जी एक तो होती है आपके पास तीन किला या थ्री फेज की इंडक्शन मोटर, कौन सी होती है इंडक्शन, इंडक्शन को क्या बोला जाता है जी प्रेरण कहते हैं, क्या बोलते हैं प्रेरण। बात समझ में आ गई सभी के, सबसे पहले अपने यही पढ़ेंगे, और उसके बाद दो नंबर आती है आपके पास तुल्यकालिक मोटर, जिसको अपने सिंक्रोनस मोटर के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जानते हो, सिंक्रोनस मोटर, या इसको अपने कह सकते हो जी तुल्यकालिक मोटर। बात समझ में आ गई सभी की। अब दो बातें यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट आपको दिमाग में सेट करना है, इसका प्रश्न सबसे पहले से यही पूछ लेता है कि थ्री फेज की कौन सी मोटर स्लो स्टार्ट नहीं होती है, तो थ्री फेज की दोनों की मोटरें हैं, दोनों में से एक मोटर आपकी स्लो स्टार्ट होगी एक आपकी स्लो स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न यही आता है, स्लो स्टार्ट का मतलब होता है ये जो मोटर है ना आपके पास कौन सी मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉन सिंक्रोनस भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, इसका एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं नॉन सिंक्रोनस मोटर, यानी सिंक्रोनस नहीं है। और ये शब्द बहुत जरूरी काम आएगा अपने, ये सिंक्रोनस क्या होता है इसके बारे में पढ़ना पहले जरूरी होगा कि सिंक्रोनस क्या है, नॉन सिंक्रोनस क्या होता है, रोटर गति क्या होती है, सिंक्रोनस गति क्या होती है, सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्लिप क्या होती है, अनसी स्लिप क्या होती है, बस स्लिप क्या होती है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, इसके बाद ही मोटर समझ में आएगी, समझ में नहीं आएगी, समझ में आएगी बात। आज का ये कॉन्सेप्ट है ना अपने उसमें बढ़ेगा कि स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का, स्लिप स्लिप क्या चीज होती है। देखो ये जो नॉन सिंक्रोनस है ना इसको इंडक्शन कहते हैं, इसके आगे टाइप पढ़ेंगे सिंगल फेज ही बनते हैं, तो आपकी गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर आती है इसके अंदर, कौन सी आती है गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर, पहला पार्ट पढ़ेंगे, थ्री फेज की
स्लीपिंग मोड, कौन सी आती है स्लीपिंग मोड। फ्रेंड मोटर के आगे जाके डिलेपिजा मोटर के आगे जाके दो भाग हो जाते हैं, सिंगल केज और डबल केज। तो पढ़े उसको डीपली पूरा आगे जाके। अब देखो ये मोटर है ना, ये मोटर इसके नीचे लिख लेना आप, ये क्या है, ये समकालिक है। क्या है, अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, इसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। सब स्टार्ट का मतलब क्या, सिंगल केज की मोटर क्या होती है, आपको कोई ये पूछ लेता प्रश्न पूछेगा सदर, सिंगल फेज की मोटर है स्वचालित, स्वचालित नहीं है, ठीक है, यानी ऑटो स्टार्ट है या नहीं है। तो ये मोटर तो क्या है, थ्री फेज की इंडक्शन मोटर एक स्वचालित है, परंतु ये है ना ये स्वचालित नहीं होती, स्वचालित नहीं है, परंतु इसको बढ़ाया जा सकता आगे जाके, क्योंकि ऑटोस्ट्रोन्स मोटर बनती भी है। ऑटोस्ट्रोन्स कैसे बनाओगे वो बात की बातें हैं। इसके दो टाइप आते हैं, सिक्रोन्स बनती है। अब सिक्रोन्स में सबसे पहले मैं बात करूं, सिक्रोन्स में नॉन सिक्रोन्स भी बनती है। नॉन सिक्रोन्स का अगर इसको इंडक्शन बोला जाता है, इसको तुल्य कार्य मोटर के नाम से भी जाना जाता है। अब एक इसका अगला भाग आगे जाके दो भाग हो जाते हैं, एक तो सिक्रोन्स होती है ये और एक होती है ऑटो सिक्रोन्स। सिक्रोन्स मोटर में कभी प्रश्न पूछेगा ना, इसको जब आगे बढ़ाऊंगा स्कूल में आगे कोई बात नहीं, आप खुद प्रश्न पूछ लेता है कि सिक्रोन्स मोटर है, तो आप बोलोगे स्वचालित नहीं है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगी कभी भी। समझ में आ गई बात। और ये थ्री फेज की जो इंडक्शन मोटर है ये क्या होती है, स्वचालित होती है। अब इसमें एक चीज का और ध्यान, पहले इसके साइड में लिख लेना, एकल कला प्रेरण मोटर, यानी सिंगल फेज की जो इंडक्शन मोटर है सारी की सारी इसमें के टाइप आएंगे, तो सिंगल फेज की जो मोटरें हैं ना सारी की सारी एकल कला तो प्रेरण मोटर है, या सिंगल फेज की जो मोटरें हैं ये भी स्वचालित नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट कभी नहीं होती। समझ में आ गई बात, आपको ये बोलो आपके दिमाग में बात यहाँ पे ये आनी चाहिए कि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट चल रही है, चल रही है कि नहीं चल रही, स्टार्टिंग में चलाना पड़ा इसको नहीं चलाना पड़े अपने आप देखो, तो ये स्वचालित नहीं है, क्योंकि इसको क्या किया गया, बनाया गया बाद में कैपेसिटर मोटर बना दिया गया था, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप कौन सी मोटर बनाओगे, कौन सी बनाओगे आप, जब सिंगल फेज की पहले मोटर बनाओ, पहली मोटर का नाम यही आएगा विद्युत कला मोटर, जिसको बोलते हैं सिंगल फेज मोटर। उसमें फेज को बांटा जाता है, एक वाइंडिंग को दो भागों में बांटा जाता है, फिर मोटर को बनाया जाता है। ये मोटर एक वाइंडिंग के साथ कभी स्लो स्टार्ट नहीं हो सकती है, मैं कभी चलती है, तो प्रश्न सीधा पूछ लेता है कि सिंगल फेज की मोटर तो आप लोगों स्लो स्टार्ट नहीं होती है, सिक्रोन्स मोटर तो स्लो स्टार्ट नहीं होती। आपको ये दिमाग में रखना है, बाद की बातें हो रही है, ऑटोस्ट्रोन्स कैसे बनाया जाएगा, सिंगल फेज की मोटर को स्लो स्टार्ट कैसे किया जाएगा, वो बात की बात है। समझ में आ गई, पहला प्रश्न दिमाग में ये नोट करना है कि सिक्रोन्स मोटर भी स्लो स्टार्ट नहीं होती है, सिंगल फेज की मोटर भी स्लो स्टार्ट नहीं होती है। इसके साथ इंडक्शन मोटर या नॉन सिक्रोन्स मोटर सारी की सारी वो स्लो स्टार्ट होती है। और आपके पास जो डीसी की मोटर है, कौन सी मोटर है डीसी मोटर है, ये भी क्या होती है स्वचालित होती है, क्या होती है स्लो स्टार्ट होती है। बात समझ में आ गई, यहां तक का कोई दिक्कत बता दो, ठीक है, तो ये नोट करो थोड़ा सा। तीन कला प्रेरण मोटर, इसके टाइप अलग पढ़ाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले इसका आता सिद्धांत, क्या आता है सिद्धांत, नाम सुना होगा सभी ने सिद्धांत। कोई भी चीज जब चलती है ना उसका कोई ना कोई सिद्धांत होता है, किसी ना किसी सिद्धांत में वो क्या करेगी, काम करेगी। आपको कोई ये पूछ लेता है कि तीन कला प्रेरण मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है, क्या उत्तर दोगे आप? हां जी, इसमें आपने एक बात पढ़ी होगी कि ये जो मोटर है ना
ये डीसी मोटर के सिद्धांत पर ही काम करती है। इस मोटर के सिद्धांत पे काम करती है डीसी मोटर। जो डीसी मोटर का सिद्धांत है वो थ्री फेज की इंडक्शन मोटर का सिद्धांत है। कौन सी थ्री फेज की एसी मोटर का सिद्धांत है वो डीसी मोटर का सिद्धांत है, डीसी मोटर का। अब डीसी मोटर का सिद्धांत आपने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था इससे पहले, तो आपको बोला जा सकता है इसका सिद्धांत चुंबकीय खिंचाव, चुंबकीय खिंचाव, या इसको कहा जाता है एक नाम आता है इंडक्शन का ब्रेक सिद्धांत, इंडक्शन का ब्रेक सिद्धांत। किस सिद्धांत, जिस सिद्धांत पे डीसी मोटर काम करती है उसी सिद्धांत पे ये क्या करती है काम करती है, कैसे काम करती है वो बात करेंगे। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। आराम से देखो, आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ, प्रश्न में आपको इतना याद रखना है कैसे इंडक्शन लागू होता है, कैसे कोई चीज घूमती है। आराम से बोर्ड पे बात देखेंगे। देखो ये मेरे पास एक डीसी की मोटर है, मान लिया कौन सी मोटर है डीसी की। आपने डीसी की मोटर में क्या किया था, आपने आर्मेचर वाइंडिंग को यूज किया था। इस वाइंडिंग को यूज किया था आर्मेचर। यहां पे पहली बात आर्मेचर नहीं होता, क्या नहीं होता आर्मेचर। आर्मेचर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग में क्या डिफरेंस है मैं दोनों को बता दूंगा आपको, दिमाग में सेट रखना थोड़ा सा। एक तो नाम आएगा जी रोटर, क्या आएगा रोटर, एक तो आपके पास रोटर आता है, एक क्या आता आपके पास आर्मेचर आता है। क्या आता है आर्मेचर। ये तो रोटर होगा ना, इसमें भी वाइंडिंग ही की जाती है, प्रकार क्या की जाती है वाइंडिंग। परंतु आर्मेचर में क्या होता है इसमें भी वाइंडिंग होती है, रोटर में क्या होता है रोटर में जो वाइंडिंग होती है वो सोर्स सर्किट होती है। कौन सी होती है सोर्स सर्किट। रोटर में तो वाइंडिंग की जाती है, रोटर एक सोर्स सर्किट चालक होता है। क्या होता है सोर्स सर्किट चालक होता है, ये कभी सोर्स सर्किट नहीं होता। ये क्या होता है वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग किसके साथ कनेक्ट होती है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है। इसका परिपथ बनाने के लिए अलग से परिपथ को यूज किया जाता है। इसमें जो रोटर होगा आपको इतना ध्यान रखना है कि रोटर होता है सोर्स सर्किट चालक होता है, और आर्मेचर में क्या होता है एक प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, और ये वाइंडिंग कभी शॉर्ट नहीं होती आपस में, ये क्या होती है शॉर्ट होती है। तो ध्यान रखा जाता है कि रोटर में बारें डालते हैं, बार समझते हो, बार बार का मतलब छड़े, इसमें छड़े डाली जाती है एक प्रकार से। तो रोटर में एक प्रकार की वाइंडिंग ही है। जैसे मेरे पास एक थ्री फेज की इंडक्शन मोटर में यहाँ पे क्या करूंगा थ्री फेज की वाइंडिंग डाल दी मेरे से, और थ्री फेज में आपको पता वाइंडिंग कितनी होती है जी, वाइंडिंग होती है जी तीन। ये मैं तीन वाइंडिंग यहाँ पे डाल दी। अब तीनों वाइंडिंगों का जो फेज डिफरेंस आप यूज करते हैं, जैसे मेरे पास एक मोटर थी, ये मेरी मोटर बनाया और यहाँ पे मैंने कहा थ्री फेज की वाइंडिंग डाल दी, जैसे मैंने इसका नामांकन कर दिया, मान लिया यू वन है ये तो कौन सी इसकी यू टू है, और इसका ये वी वन है ये इसका कौन सा वी टू है, और ये इसकी डब्ल्यू वन है ये इसकी कौन सी थी डब्ल्यू टू है। ठीक, थ्री फेज की वाइंडिंग के छह टर्मिनल होंगे यू वन वी वन वी सॉरी यू वन U2, V1, V2, W1, W2, ये छह टर्मिनल बाहर निकलते हैं, उसके बाद में उसका कनेक्शन होता है जिसको स्टार में जोड़ना या डेल्टा में जोड़ना वो बाद की बात है। अब देखो इसका जो फेज डिफरेंस होगा थ्री फेज की मोटर का, वो फेज डिफरेंस कितने डिग्री का होगा 120 का, क्योंकि तीन कला का फेज डिफरेंस जो वाइंडिंग का होता है 120 डिग्री होता है। उसमें आपको मैंने पॉलीफेज में टॉपिक करवाया था फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या लिखा गया था 360 डिग्री बटा फेज ऑफ नंबर होता पॉलीफेज के लिए। तो पॉलीफेज में तीन फेज किस पर आई है पॉलीफेज में आती है, किसमें आती है पॉलीफेज में आती है, और 360 बटा तो तीन करके जो एंगल आता है 120 डिग्री का। तो यहाँ पे जो मैं वाइंडिंग स्थापित करूंगा तो वाइंडिंग या लपेटर का जो कला, लपेटर का कला को या फेज डिफरेंस रखा जाता है वो रखा जाता है 120 डिग्री। क्या रखा जाता है 120 बात समझ में आ गई, क्योंकि मेरे को पता है कोई चीज जो बनेगी घूमने वाली वो क्या होगी एक वर्ताकार आकृति की होगी। कभी ऐसे नहीं होगा कि उसको आपने वर्ताकार आकृति का बना दिया, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो टॉर्क उसी चीज पे लगता है जिसका अक्षीय बिंदु होना चाहिए। टॉर्क समझते हो घुमाव बल,
तो स्टार्टिंग के समय लगता है कि ट्वेल्थ में आप पढ़ोगे टी स्कल को आपने अभी तक पढ़ाऊंगा मैं टी स्कल को आपने पढ़ाऊंगा एक इंटू क्या होता है आर होता है इसको बोलते हैं हिंदी में आघूर्ण क्या बोलते हैं आघूर्ण क्या होता है तो कोई भी आपके पास ये चीज है इसका कोई अक्षीय बिंदु है मान लीजिए इसका अक्षीय बिंदु है ये सी क्या होगी त्रिज्या इसको अपने क्या बोलते हैं रेडियन कहते हैं अक्षीय बिंदु के ऊपर इसका अक्षीय बिंदु होना चाहिए ऐसे तो कभी नहीं होगा कि आपने इस चीज को यहाँ पे कर दिया इसका अक्षीय बिंदु ये बना देते ये चीज एक बार घूमेगी उसके बाद अपने आप क्या बोल रुक जाती है समझ में एक बात कभी आपने नोट किया क्या कोई चीज घूमने जैसे भाई अच्छा आपने मध्य सेंटर बिंदु ऐसे ले लिया उस दूरी के ऊपर घुमा रहा नहीं घूम सकता कभी तो इसका सेंटर बिंदु होना चाहिए इसका अक्षय बिंदु होना चाहिए अक्षय बिंदु इस अक्ष के चारों क्या कर सकते घूम सकता है अक्षय बिंदु पे लगने वाला बल क्योंकि फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे आपने फोर्स को लगाया वो आपका क्या कहलाएगा कि क्रोध कहलाता है क्या कहलाता है क्रोध उसको क्या बोलते आघूर्ण कहते हैं और आघूर्णों में गति का जो संबंध होता है विलोमानुपाती होता है आगे बात करेंगे आपके बहुत बड़ी दिमाग में कंफ्यूज होता है कि क्रोध गति के विलोमानुपाती क्यों होता है कारण क्या उसकी बात में बढ़ा दूंगा जब टोल किस चीज का बढ़ता है ना तो गति क्या रहती है कम रहती है जैसे मैं सिंपल बात आपको बताऊं आप एक साइकिल को चला रहे हो किसको चला रहे हो साइकिल देखिए ना सभी ने चलाई डी होली कौन चलाई चलाई डी आपका स्टार्टिंग टोल ज्यादा होता है रनिंग में टोल ज्यादा होता है क्यों स्टार्टिंग में टोल ज्यादा क्यों होता है कोई आपको ये पूछ ले आप साइकिल चला रहे हो आपका स्टार्टिंग टोर्क ज्यादा है कारण क्या है स्टार्टिंग में साइकिल रुकी हुई है फिर क्या हुआ है फिर गति नहीं तो टोर्क ज्यादा होता है कोई रीजन तो होगा मन पता स्टार्टिंग में रुकी गति तो मनी था कोई तो बोल दो भाई कोई क्या हूं बताओ देखो क्या सिंपल सी बात है फोर्स दो बातों पे डिपेंड और क्या दो बातों पे डिपेंड कर रहा है त्रिज्या और फोर्स दो ही बातों पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा अब मैंने एक बात बोल दी कि स्टार्टिंग में आपने कहा रुकिए टोर्क ज्यादा गति कम है टोर्क ज्यादा है और जब गति बढ़ी तो टोर्क कम क्यों हो गया गति बढ़ रही है तो टोर्क कम क्यों हो गया कारण क्या है देखो एक बात बता देता हूं आपने नॉर्मली एक साइकिल को चलाया होगा स्टार्टिंग के समय आपका जो फोर्स लगता है ना पैर का वो ज्यादा लगता है आपकी साइकिल अगर रुकी हुई है तो स्टार्टिंग में आपका पैर का फोर्स ज्यादा लगेगा आप लगा सकते हो आपके पास इक्विपमेंट में है ये चीज जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी ना आपका फोर्स कम होता जाएगा क्योंकि आप जब पेडल लगाओगे उससे पहले आपका पहिया क्या होगा निकल जाएगा स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी आपका फोर्स कम हो जाता है ये चीज कभी नोट कर लेना आप स्टार्टिंग में साइकिल रुकी हुई है उसमें आपका जो फोर्स लगेगा तो वो क्या लगेगा ज्यादा लगेगा फोर्स ज्यादा लगेगा तो फोर्स भी क्या होगा ज्यादा होगा और जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है तो ये फोर्स होता नहीं कम लगता तभी नोट करना पैर का बल बल लगा इससे पहले वो निकल जाता पेटला क्योंकि उसकी स्पीड है उसमें तो ये फोर्स गिरेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा समझ में आ गई बात उसमें गति आपकी बढ़ रही है जब कोई चीज चल रही है सिंपल बात कहता हूं मैं एक ट्रैक्टर आप धक्का स्टार्ट है मान लीजिए उसको धक्का दे रहा है अगर वो रुका हुआ है तो आपका फोर्स ज्यादा है ठीक है आपने जड़ता का नियम सुना होगा तो आपका जो फोर्स मेंटेन होता है वो ज्यादा होगा जैसे चलने लगेगा तो आपका फोर्स अपने आप क्या होगा कम होना शुरू हो जाता है उसकी स्पीड क्या होती है बढ़नी शुरू हो जाती है ठीक है तो वही बात है यहाँ पे कि ये जो चीज है ना ये मैंने वाइंडिंग को स्थापित कर दिया सबसे पहले इसमें एक बात करेंगे वाइंडिंग को स्थापित कर दिया और ये तो वाइंडिंग होती है इसको बोलते स्टेटर क्या बोलते हैं स्टेटर होता है यानी जो ये पार्ट है ना थ्री फेज की मोटर पे जिस भाग पे वाइंडिंग की जाती है उस भाग को क्या बोलते हैं स्टेटर बोलते हैं स्टेशन भी पार्ट होता है कौन सा पार्ट होता है स्टेशन अब स्टेशन भी पार्ट क्या एक स्थिर भाग यहाँ पे एक प्रकार का ये क्या है स्थिर भाग है घूमेगा नहीं क्योंकि निकल तो उससे नहीं घूमेगा वैसे घूमेगा भी अब मैंने इसको सप्लाई के साथ जोड़ा सप्लाई के साथ जोड़ते यहाँ पे क्या करेगा फोर्स लाएगा ये कैसे चलेगा इसमें क्या चलेगा इसका फ्लक्स चलेगा क्या चलेगा क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे मैं थ्री फेज की सप्लाई दे रहा हूँ क्या दे रहा हूँ थ्री फेज की सप्लाई दे रहा हूँ तो ये वाइंडिंग क्या करेगी चुंबकीय फ्लक्स बनाएगी क्या बनाएगी चुंबकीय फ्लक्स जैसे मेरे को पता है जैसे यहाँ पे एन बना मान लिया यहाँ पे एस बना फिर एन बना फिर एस बना एन बना एस बना इस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है वो क्या हो रहा है इसकी
फ्लक्स आपका घूमना शुरू होता है, फ्लक्स वास्तविक रूप से नहीं घूमता है, क्या घूमता है, इसके पोल की तीव्रता से चेंज होते हैं कि आपने को ये लगता है कि फ्लक्स क्या हो रहा है, घूम रहा है, क्या हो रहा है, फ्लक्स घूम रहा है। आपने डेकोरेशन देखी है ना, कहीं देखी यहाँ पे लेंथ लगे हैं, बहुत से लेंथ लगे हैं, उसने क्या किया, ऐसा सिस्टम बना दिया, आप कैसे प्रतीत होता है कि लेंथ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या घूमते हैं वो, नहीं वो क्या करते हैं, उनकी स्पीड है कैसी, जिसके ऊपर ये जल गुजर रही है, एकांतर लाइन के जैसे जल गुजर रही है, तो क्या होगा, जल गुजरे तो अपने को ये प्रतीक हो रहा है ये जल गया, तो ये बुझ गया, ये जल गया, ये बुझ गया, ऐसे क्रम से चलता है, तो अपने को ये लगता है कि लेंथ क्या होगा, चल रही है, ऐसे सिस्टम चलता है। लड़ियों में आपने लड़ियों को चलता हुआ देखा हो तो वहां पे लेंथ क्या होगा, जल के बुझते, उसी प्रकार से यहाँ पे ठीक है, ऐसी सप्लाई आ रही है, आपका जो प्रत्येक फेसर वो बार बार पोल को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्योंकि सप्लाई एसी में तो ध्रुवता बार बार सप्लाई की क्वालिटी जब चेंज होती है प्लस और माइनस धारा के हिसाब से क्या होती है, बदलती है, और धारा की डायरेक्शन जब बदलती है तो आपके ऊपर पोल भी क्या होते हैं, बदलते हैं, समझ में आ गई मेरी बात, अब पोल तीव्रता से चेंज हो गए, आप ये बोलते इसका फ्लक्स क्या कर रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, समझ में आ गई मेरी बात, तो वही बात है कि जिस गति पे फ्लक्स घूमता है या जिस गति पे ये पोल प्रवेदित होते हैं वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर, इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है पोलों को, अगर मैं सप्लाई यहाँ पे डीसी दे देता तो क्या ये पोल चेंज होते, नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते, पोल आपके क्या बनेंगे, स्थिर बनेंगे, आपके पोल बदल नहीं सकते, तो वो ही कहता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिपेंड करवा रहे हैं कि पोल की तीव्रता से चलेंगे, इसकी पोलरिटी क्या डिपेंड कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब देखो एक सिंपल बात मैं यहाँ पे करूंगा कि जिस गति पे आप क्या कर रहे हो, इसका फ्लक्स घूम रहा है, जिस गति पे आपके स्टेटर के पोल बदल रहे हैं उस गति को अपने क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस गति कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंक्रोनस गति, क्या बोलते हैं जी, सिंक्रोनस गति है ये, क्या है, सिंक्रोनस गति। अब ये सिंक्रोनस गति कहां से आई, जैसे मैं सिंपल बात करूंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या खुद की है, क्या मोटर की, बोलो तो किसकी है, बोलो बोल दो ना, बोलो कोई बात, ये किसके साथ जुड़ी है, ये अल्टरनेटर के साथ जुड़ी है, पैदा करो कर रहा फ्रीक्वेंसी को, अरे बोल जाओ अल्टरनेटर पैदा कर रहा थे तो करो कोनी का करो, तो बोली जा कोनी, यहां पे तो एसी पैदा हो रही है, वो कौन पैदा कर रहा, अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी है, और अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी वही इसकी फ्रीक्वेंसी है, समझ में आती है मेरी बात, क्योंकि किसके साथ जुड़ा है, मैंने अभी बात बोली कि तीन क्लाब रेल मोटर का जो वर्क है वो थ्री फेज सप्लाई को किसमें चेंज करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में, अब थ्री फेज सप्लाई वेग किसके रहा है, तो वो प्रदाय का स्रोत क्या है, अल्टरनेटरी है, उससे थ्री फेज की सप्लाई ले रहा है, बाद में क्या बढ़ा रहा है, बाकी दिक्कत बढ़ा रहा है, तो मेरे को पता है यहाँ पे प्लस क्या करना घूमता है, क्यों क्या हो रहा है, पोल आपके चेंज हो रहा है। अब एक बात विवाद में यहाँ पे ये भी आएगी कि सेंटर में इलेक्ट्रॉन की फोर्स पैदा हो जाता है, यहाँ पे दो तीन बातें दिमाग में सेट कर दिया अपने, यहाँ सबसे पहले एक बात को नोट करेंगे, मेरे पास एक वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग है, ठीक है जी, ये वाइंडिंग है, मान लीजिए वाइंडिंग का नाम लिखा वी वन है, तो ये क्या मेरे पास वी टू है, मेरी वाइंडिंग ले ली, इस वाइंडिंग को मेरी एसी सप्लाई के साथ जोड़ दिया जी, बिल्कुल जोड़ दिया, इसमें पोल बार बार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, क्यों हो रही है, सप्लाई क्या रही है, मैंने बताया था आपको कि एसी सप्लाई के साथ कभी ध्रुवता होती है किसी भी कुंडली की फिक्स नहीं बनती है, क्वालिटी चेंज होती रहती है बार बार, क्यों होती रहती है, क्योंकि धारा की ध्रुवता बार बार क्या होती है, बदलती है, कभी प्लस आता है, कभी क्या आता है, माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस, ये चीज डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब मेरे पास क्या हुआ, पहले यहाँ पे एन बना, फिर यहाँ पे क्या बना, एस बना, अगले स्टेप में यहाँ पे क्या बना, एस बना, यहाँ पे क्या बना, एन बना, फिर यहाँ पे एन बना, फिर यहाँ पे एस बना, इस प्रकार से चेंज होता रहे। तो इस कुंडली के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है, उसमें क्या पैदा होता है, ई एम, क्या पैदा होता है, ई एम, वो किसके लिए से होता है, बिल्कुल बताना है, इस कुंडली में ईएमएफ पैदा हो रहा है और किसके नियम से हो रहा है, कौन सा नियम लगता है, शाबाश, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज एंड वोल्टेज नियम कौन सा है,
इलेक्शन का नियम लागू होते हैं, इलेक्शन के दो नियम होते हैं, और यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा? हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्फ इंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका उपकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग किस तरफ पे काम करती है? सोलेनोइड पे काम करती है। जैसे मैंने सप्लाई के साथ जोड़ा तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग या ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तरह क्या होता है? उस वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है। उस नियम को अपने बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। किसका नियम है ये? माइकल फैराडे का है। कौन सा है? सोलेनोइड का। बात समझ में आई? अब अगर ये वाइंडिंग में पैदा हो तो यहाँ पे वाइंडिंग कितनी है? तीन। तीनों में पैदा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो तीनों वाइंडिंगों में ध्यान रखना एक बात का, उसका प्रश्न पूछ सकता है कि स्टेटर की वाइंडिंग में क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है? बिल्कुल जनरेट होता है। किसके नियम से होता है? सोलेनोइड के नियम से। इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो गया, ईएमएफ पैदा हुआ। पर तो बाद में वैज्ञानिक एक लेंस आता है, वो इसमें क्या कहता है? इसको एबी पैदा हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है? चाहे आप एबी बोल दो, कोई बात नहीं, इसको मैंने एबी बोल दिया। क्या बोल दिया? ठीक है। अब आपको पता है ये तो सोलेनोइड हो गया, ठीक है। बात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो गया, मेरे को टेंशन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो रहा है। अब मेरे को दिमाग में बात आई, मैंने क्या किया? मैंने इसके बीच में चालक को रख दिया, ये और इसको मैंने नाम दे दिया जीरो, पर इसमें मैंने डाल दिया इसे मानिया छेगा। आराम के बोर्ड पे देखना, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब का इसके अंदर इसे रखा, रखते बीच में ये क्या होता है? एयर गैप होता है। क्या होता है? एयर गैप। समझते हो? बिल्कुल कम होना चाहिए एयर गैप। ये बताऊंगा कितना होना चाहिए। ज्यादा होने से क्या होता है? कम होने से भी नुकसान होता है ज्यादा। ये यहाँ पे रोटर रख दिया आपने। अब इसका जो रोटर है ना, ये इलेक्ट्रिकल रूप से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि रोटर क्या एक सोर्स पे चालक है। इसका प्रयोग खुद एक उपकरण है। रोटर क्या एक सोर्स पे चालक है, ऐसे सोर्स आपने सारे के सारे बने, क्योंकि 12 टार के साइड की वजह से इसको क्या करते हैं? सोर्स कर दिया जाता है, ठीक है। अपना एक प्रयोग पूर्ण कर रहा है, पर उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फेंका हो जाएगा। बोलो, इलेक्ट्रिकल रूप से जुड़ा है, कहीं से दिखाई नहीं दे रहा, पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में पैदा हो जाता है, किससे पैदा हो जाता है? इसको बोलते हैं सहायक। क्या बोलते हैं? सहायक। समझ में आई ना बात? देखो, स्टेटर की वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है, वो किसके नियम से होता है? सोलेनोइड के नियम से होता है। साथ में लिखा इसमें प्रेरक पूर्ण है, इसका अपने आप हो रहा है, तो इसमें भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा, किसके नियम से होगा? सोलेनोइड के नियम से होगा। बात समझ में आ गई? स्टार्टिंग के समय दोनों के दोनों में क्या हुए? रुके हुए हैं। दोनों के दोनों में कोई चीज घूम रही नहीं, घूम रही ना। आप बोलोगे यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या है? शून्य। कितनी है? शून्य। और यहाँ पे कितनी है? अगर मैं ये बोलूं आपको पर्सन में यहाँ पे पूछेगा, सीधी बात नॉर्मल बातें बता रहा हूं, ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के टाइम, स्टार्टिंग ऑफ समय यानी स्टार्टिंग के टाइम, उसको अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? चालन या परिचालन। चालन या परिचालन। चालन के समय परिचालन क्या होता है? परिचालन रनिंग होता है या स्टार्टिंग? चालन का मतलब स्टार्टिंग, परिचालन का मतलब रनिंग अवस्था में है। तो चालन के समय आपको कोई यह पूछ लेता है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? रोटर फ्रीक्वेंसी इसको अपने लिख सकते हैं एफ आर। क्या लिख सकते हो? एफ आर। कितनी होती है बता दो? तो कितनी होगी? तो मैं लिखूंगा स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हो, क्योंकि भाई क्यों होगी? ये रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, ट्रांसफार्मर है। क्या है? ट्रांसफॉर्मर कभी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है? नहीं करता। तो ये तो रुका हुआ था पहले, ये भी है सप्लाई के साथ, स्टार्टिंग में गति तो नहीं है ना स्टार्टिंग में, ये भी रुका हुआ, ये भी रुका। सीधा प्रश्न पूछ सकता है स्टार्टिंग जिसमें रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो दो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, वही किसकी फ्रीक्वेंसी है? रोटर की फ्रीक्वेंसी। बाद में क्या होगा? इसमें चुनके खिंचाव वाला प्रश्न होगा। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे एक पोल हुआ, यहाँ पे मानिए इसके सामने कोई पोल बढ़ रहा है, इसके सामने जैसे बढ़ गया, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब ये क्या करेगा? ये तो चेंज होने वाला, ये तो शिफ्ट हो रहा है, इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये शिफ्ट हो रहा है। अब क्या करेगा? तो ये पोल चल के यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि एन यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे चला जाएगा,
तो ये पॉल उसको क्या करेगा, खींच के कोई अपने पीछे लेके आने का प्रयास करता है, खींचता है, क्योंकि असमान बलों के अंदर क्या होता है, आकर्षण का बल होता है, कौन सा बल होता है, अट्रैक्शन होता है, वो खींचा जाता है, तभी तो क्या बोलते हैं चुंबकीय खिंचाव, क्या बोलते हैं चुंबकीय खिंचाव, या क्या बोलते हैं इंडक्शन का ब्रेक होना। तो ये चीज यहाँ पे जो पोल बने हैं ना, यहाँ पे तो ये पोल बने हैं, इसके अंदर पोल बने, रोटर में पोल बने हैं, वो स्टेटर के पोल के पीछे क्या करता है, भागता है, उसको वो खींचता है, एक फोर्स को मेंटेन करता हुआ खींचता है, और वो कौन सा खिंचाव है, वो चुंबकीय खिंचाव, उसके कारण आपका रोटर क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है, पोल जैसे चलेंगे चलेंगे बिल्कुल चलेंगे, उसके पीछे आपका रोटर क्या करता है, भागता है, जिस गति पे रोटर भागता है उसको क्या बोलते हैं, रोटर गति, और जिस गति पे स्टेटर के पोल भागते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेटर गति। सिंक्रोनस गति, इसको तुल्यकालिक गति भी कहा जाता है, ये क्या होती है मैं बता दूंगा आपको, तुल्यकालिक गति इसको अपने किससे लिखा जाता है, ठीक है लिख, थ्री फेज की मोटर की स्टेटर वाइंडिंग का फ्लक्स जिस गति पर घूमता है, जिस गति पर घूमता है यानी वास्तविक रूप से फ्लक्स नहीं घूमता, वास्तविक रूप से उसका फ्लक्स नहीं घूमता, परंतु उसके पोल इतनी तीव्रता से बदलते हैं, इतनी तीव्रता से बदलते हैं कि फ्लक्स घूमता हुआ प्रतीत होता है। जिसे सिंक्रोनस गति के नाम से जाना जाता है, जिसे सिंक्रोनस गति के नाम से जाना जाता है। इसके समझ में नहीं यही बात आगे देखते हैं। ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सप्लाई के प्रदाय स्रोत के अंदर, उसकी सिंक्रोनस गति क्या है, प्रदाय की फ्रीक्वेंसी क्या, प्रदाय स्रोत आपका अल्टरनेटर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उस पर डिपेंड करेगा, उसने पोलों की संख्या क्या है उस पर वो क्या करेगा डिपेंड करेगा। समझ में आई क्या बात है? तो ये सिंक्रोनस गति होती है तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, अल्टरनेटर में पढ़ा आपने, क्या पढ़ा है, एफ बराबर पी एम बटा 120, ये चीज पढ़ी आपने अल्टरनेटर में, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वही गति है ना, उसकी सिंक्रोनस गति है, आप क्या लिखोगे एन एस, क्या लिखोगे एन एस बराबर क्या हो जाएगा 120 एफ बटा में। तो सिंक्रोनस गति क्या है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती व पोलों की संख्या के विलोमानुपाती होती है। बात समझ में आई? एक बार प्रश्न पूछा गया सीधा ही, कैसे पूछा गया था, नियमन में से सिंक्रोनस गति नहीं है, सिंक्रोनस गति में अगर आपको बताऊं तो मैंने वैसे लिखाया हुआ है, ये आपकी सिंक्रोनस गति है सारी की सारी, जिसके ऊपर आपका अल्टरनेटर नॉर्मली चलता है, जिस गति पे आपका अल्टरनेटर चलता है उस गति को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस गति कहते हैं। मोटर नहीं, मोटर चलेगी वो अलग बात है,
जिस गति में आपका अल्टरनेटर घूमता है वह गति आपकी सिंक्रोनस गति होती है, और आपकी जो सिंक्रोनस गति होती है ना वो 1,03,000 rpm सबसे मैक्सिमम गति है। कितनी है? 3,000 rpm के बाद आपकी जो गति आती है वो 1,500 rpm, ये आपकी सिंक्रोनस गति है। और इसके ऊपर मैंने आपको अल्टरनेटर बताया था, इसके ऊपर आप जो अल्टरनेटर काम करते हो उस अल्टरनेटर को टर्बो अल्टरनेटर के नाम से जाना जाता है। कौन सा कहते हैं? टर्बो। टर्बो क्यों कहते हैं? इसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसको टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं। ये टर्बो लगता है इसके अंदर स्टीम टर्बाइन में काम आता है। कौन सी टर्बाइन लगी होगी यहाँ पे? स्टीम टर्बाइन लगी है। समझ में आई ना? अल्टरनेट में करवाया हुआ टॉपिक मेरा ये, आपको यहाँ पे टर्बो अल्टरनेटर लगेगा, यहाँ पे जो रोटर होगा वो बेलनाकार रोटर काम आता है। कौन सा रोटर काम आता है? बेलनाकार रोटर काम आता है। यहाँ पे जो टर्बाइन काम आती है वो स्टीम टर्बाइन को यूज किया जाता है। इसके बाद सिंक्रोनस गति और आती है 1,000 rpm। उसके बाद एक्सीडेंस गति और आती है 750 rpm। उसके बाद एक्सीडेंस गति और आती है 375 rpm। तो ये आपके पास सिंक्रोनस गतियां हैं सारी की सारी। इन गतियों पे जो काम करता है ना वो आपकी लगभग अल्टरनेटर काम करो उसको क्या कहते हैं? अपने बता दो। इसपे टर्बो करता है, ये आपका नॉर्मली अल्टरनेटर है, अपने जो यूज किया जाता है वो नॉर्मली अल्टरनेटर काम आता है। और यहाँ पे जो टर्बाइन लगती है वो लगती है हाइड्रो टर्बाइन। कौन सी लगाई जाती है? हाइड्रो। तो यहाँ पे सारी की सारी जो टर्बाइन काम आती है वो हाइड्रो आती है, और यहाँ पे आते आपके टर्बो अल्टरनेटर काम आता है स्टीम टर्बाइन को ज्यादा यूज किया जाता है। अपने जो थर्मल का क्षेत्र सुदृढ़ है तो वहां पे कौन सा अल्टरनेटर काम लगा होता है? वहां पे टर्बो ही है। और वहां पे टर्बाइन है वो कौन सी काम है? स्टीम टर्बाइन। से कल्पतरु प्लांट बना हुआ कल्पतरु के पास, तो यहाँ पे टर्बाइन कौन सी काम करे? स्टीम टर्बाइन में लगी हुई। कौन सी लगी है? स्टीम टर्बाइन। तो ये सिंक्रोनस गतियां है, ये आपको याद रखना है। ये तो आपकी आरपीएम में है, इसमें आरपीएस में आपको चेंज करना आना चाहिए। अगर इसको आरपीएस में लेता तो ये सारी की सारी आरपीएम, अगर आरपीएस आएगा तो क्या आएगा? 3,000/60, तो ये भी हो जाएगी आरपीएस। इसको चेंज करके देख लेना 1,500/60, तो ये हो जाएगी आपकी आरपीएस राउंड पर सेकंड। और ये कितनी हो जाएगी? 1,000/60, तो ये भी आरपीएस। तो ये हो जाएगी आपकी 3,750/60, तो ये भी आरपीएस। और ये भी हो सकता है 3,750/60, ये भी आरपीएस। इनको चेंज करके देखना, इतना मान आना लिख लेना, आपको जिनको लिखा है वैसे मिला ही। तो ये सारी की सारी आपकी आरपीएस है इधर वाली आरपीएम में, ठीक है जी? तो लिखकर बता दो, आरपीएस का मतलब राउंड पर मिनट है, ये राउंड पर सेकंड है। अब देखो ये जो गति है ना इसका सूत्र, ये तो आपके पास जो उत्तर आ रहा है वो किसमें आने वाला है? आरपीएम में आने वाला है। अगर इसको आरपीएस का सूत्र आप देखोगे आपको पूछ लेता तो क्या लिखोगे आप? 2×f/d। तो ये आपके पास आरपीएस का सूत्र है, ये जिसका नाम है। समझ में आ गया कुछ आप किसी के दिक्कत बता दो, ठीक है? इसी को स्टीम लाइन डाल के सिंक्रोनस गति सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, सप्लाई आवृत्ति या कबाय आवृत्ति के समानुपाती। समझ में आवा दुनिया है? बोर्ड का लिखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? एनएस बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कम होगा, जिसका मतलब ये इसके समानुपाती है। कबाय आवृत्ति के समानुपाती वह ध्रुवों की संख्या के या कोणों की संख्या के विलोमानुपाती होती है। देखो रोटर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो गया, किसके नियुक्ति हो गया आपको पता है?
क्या लिखेंगे एन आर। ठीक है, रोटर में लोकोमोटिव हो सभी आपने किया। इससे पहले पैदा किसके नियम से पैदा हुआ था? सेपरेट। आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन सीधा पूछ लिया कि एक थ्री फेज के इंडक्शन मोटर में रोटर को यूज किया जाता है, रोटर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है, वो किसके सिद्धांत पर काम करता है या किस वाइंडिंग के समरूप है? तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। कौन सी होती है? ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, उस सिद्धांत पे काम करता है। सेकेंडरी वाइंडिंग का जो सिद्धांत है वो सेपरेट है, मैंने वो भी समझाया आपको इससे पहले। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो गया, अब आपका रोटर क्या करेगा? घूमना शुरू कर देगा। क्या करेगा? घूमता है। स्टार्टिंग के समय जो रोटर की गति होती है वो जीरो होती है, रोटर स्थिर होता है स्टार्टिंग के समय। स्टार्टिंग में चल थोड़ी देर रोटर आपका रुका हुआ है, उसके बाद जो खींचा तब घूमेगा। स्टेटर में सप्लाई आई, स्टेटर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे पैदा हुआ, उसके बाद उसने एनर्जी पैदा की, उसके बाद रोटर में पैदा होगी, उसके बाद वो घूमना क्या करेगा? शुरू करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसफार्मर बहुत काम आने वाला है। तो क्या आप एक बात नोट करते, लोड किसके ऊपर डालते हैं? मोटर में लोड किसके ऊपर डाला जाता है? रोटर पे। साफ रोटर पे ही होती है। लोड किस पे डालोगे? रोटर पे। लोड जाएगा किसके ऊपर? स्टेटर पे। वही जाता है, यही कंडीशन होती है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या था? लोड किस पे डाला? लोड किया किसके ऊपर? प्राइमरी पे। प्राइमरी की धारा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वहां पे बढ़ी, बढ़ी थी ना। क्यों? क्योंकि वो चुंबकीय फ्लक्स को समरूप करने का प्रयास करता है। मैंने आपको समझाया था कि ट्रांसफार्मर का शून्य लोड से फुल लोड तक चुंबकीय फ्लक्स कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। क्यों? बदलेगा जरूर जब लोड बढ़ेगा, परंतु क्या होगा? एक प्रभाव आता है वहां पर। कौन सा प्रभाव पड़ा था आपने? बीच चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि चुंबकित हो रहा है उसके द्वारा बाद में क्या हो रहा है? बीच चुंबकित हो रहा है। डी मैग्नेटाइजेशन को आपने पढ़ा था, क्योंकि इस केंद्रीय वाइंडिंग का जब फ्लक्स बढ़ता है वो प्राइमरी पे इफेक्ट डालेगा, उसका वो क्या करेगा? विरोध करेगा। उसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग का क्या बढ़ेगी? धारा बढ़ेगी, उस फ्लक्स की क्या कर देगी? पूर्ति कर देगी। ये बातें वहां पर पढ़ी, तभी तो मैंने कल आपको ये बात बोली थी कि आपको मोटरें पढ़नी है ना तो आपको ट्रांसफार्मर आना चाहिए। अगर आपको ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा फिर आपके मोटरें समझ में नहीं आएगी, ये गारंटी है। तभी तो मैंने बोला ट्रांसफार्मर पढ़ दिया ना आपने। अब देखो रोटर में पैदा होगी, रोटर आपका घूमना सब शुरू करेगा। जिस गति पे आपका रोटर घूमता है वह गति क्या कहलाती है? रोटर गति। जिस गति पे शाफ्ट घूमती है रोटर की, आपका लोड घूमता है, एक ही बात है, लोड किसके ऊपर डाल दिया? शाफ्ट पे। तो शाफ्ट उसी गति पे घूमेगी जिस गति पे क्या घूम रहा है? रोटर घूम रहा है। ठीक है, तो लिखो रोटर गति क्या है। जिस गति पर रोटर घूमता है या भार घूमता है उस गति को रोटर गति कहते हैं। जिसकी गति स्टार्ट शून्य होगी जिसकी गति स्टार्टिंग के समय शून्य होगी। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, मैंने बोला था खिंचाव का सिद्धांत काम कर रहा है। जैसे ये पोल चल रहा है स्टेटर का, इसके नीचे कौन आ रहा है? रोटर आ रहा है। ठीक है, जिस गति पे ये चल रहा है वो तो कौन सी गति है? स्टेटर गति। इस गति पे ये चल रहा है वो कौन सी है? दोनों में से ज्यादा गति कौन सी होगी? हाँ जी, आपकी हमेशा ही एनएस का मान ज्यादा होगा किससे? समझ में आई? क्यों? कोई चीज किसी के पीछे भागे उसकी गति हमेशा ही कम होगी, आप पिछड़ रहे हो। आगे कौन चल रहा है? स्टेटर चल रहा है। पीछे कौन चल रहा है? रोटर चल रहा है। रोटर की गति कम होगी किससे? स्टेटर से।
कभी ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, कोई भी मोटर बनता ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। दी गई ऊर्जा आपकी पैदा ऊर्जा कभी ज्यादा हो जाए ऐसा कभी सिस्टम नहीं बढ़ा, क्योंकि बीच में लॉसेज भी हो जाते हैं। आपने एनर्जी दी उससे ज्यादा कभी पैदा हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होती, ठीक है। हां ये हो सकता है एनएस बराबर एनआर, परंतु ये तो बोल रहा कभी मोटर इंडक्शन नहीं रहती, ये कौन सी बन जाती है, ये सिक्वेंस बन जाती है, इसको इंडक्शन कहते हैं, इसको प्रेरणा मोटर कहते हैं, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, इस गति पे सिंक्रोनस गति पे घूमता है तो सिंक्रोनस मोटर ही कहा जाता है, तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसको स्टार्ट करना पड़ता है, इंटरलॉकिंग पे चलती है मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करते हैं, चुंबकीय खिंचाव पे चलती है, इंटरलॉकिंग प्रभाव के कारण चलती है। उसके बाद बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर में पढ़ाऊंगा आपको, तो ये जो मोटर है ना ये इंटरलॉकिंग प्रभाव आता है, इंटरलॉक हो जाते हैं, उस प्रभाव पे काम करती है और इसकी गति कभी भी एक आरपीएम न तो बढ़ सकती है न कभी कम हो सकती है, इस पे चलेगी चलेगी तो नहीं तो बंद हो जाएगी अपने आप, ठीक है। क्योंकि अल्टरनेटिव होता है, आपको पर्सन पूछ सकता है, कंफ्यूज कर देता है कई बार कि डीसी की मोटर क्या बन गया डीसी का जनरेटर, या डीसी का जनरेटर डीसी की मोटर बन सकता है, तो अल्टरनेटर क्या बन सकता है, कैसे मोटर बन सकता है, नहीं बन सकता, स्ट्रॉन्स बन सकता है, क्या बन सकता है, स्ट्रॉन्स बन सकता है, ये चीज का ध्यान रखना। देखो रोटर गति क्या है, जिस गति पे आपका रोटर घूमता है उसको रोटर गति कहते हैं, आपको एक बार इतने ध्यान रखना। रोटर गति इलेक्ट्रिक मोटरों में सिंक्रोनस मोटर से हमेशा ही क्या होगी, कम होगी, और सिंक्रोनस मोटर में रोटर गति सिंक्रोनस गति के हमेशा ही क्या होगी, बराबर होगी। तो ये दोनों बातें इसके नीचे नोट कर लेना, और ये कभी नहीं हो सकता, ये तो लिखा है ये कभी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं। देखो आपको प्रश्न कैसे पूछ सकता है, देखो मैंने प्रश्न पूछा आपको, तीन कला मोटरों में, मोटर में कौन सा कथन, में कौन सा कथन असत्य है, असत्य असत्य नहीं मतलब, ये प्रश्न पूछ रही है। ऑप्शन क्या दे दिए, एनएस ग्रेटर देन एनआर, एनएस ग्रेटर देन एनआर, एनआर एनआर, ये उत्तर देते हो सर। तो पहला कंडीशन हो सकती है स्ट्रॉन्स मोटर हो सकती है, थ्री फेज की मोटर स्ट्रॉन्स मोटर भी हो सकती है, मेरे को नहीं पता, उसने बोला थ्री फेज की मोटर, दूसरी को इंडक्शन, वो इंडक्शन लिखेगा तो बात अलग है, अब उसने यहां पे प्रेरण लिख दिया तो बात अलग है, या स्ट्रॉन्स लिख दिया तो बात क्या आपके पास अलग है, कि स्ट्रॉन्स है या नहीं है, कि स्ट्रॉन्स है या कौन सी मोटर है, देखो ये कंडीशन हो सकती है थ्री फेज की मोटर में, अगर ये कौन सी मोटर है तो इंडक्शन है, आपको पता है इंडक्शन में लगता है, ये किसमें लगता है, ये बराबर नहीं है, हो सकता बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर को क्रॉस करता है बराबर नहीं है, तो ये भी किसमें लागू होगा, इंडक्शन में लागू होगा, समझ में आ रही है ना बात, आपको ये ऑप्शन है, देखिए वो पता कौन सा नियम लागू हो सकता है इंडक्शन में, तो ये भी सीख से बराबर को क्रॉस किया जा रहा है, इसका बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है इंडक्शन में होगा, क्योंकि ये कंडीशन इसी में आ सकती है स्ट्रॉन्स में नहीं आ सकती, और ये किसमें हो सकता है स्ट्रॉन्स में, ये कभी नहीं हो सकता, ये चीजें ध्यान रखनी। अब यहाँ पे वो इंडक्शन का पूछ रहा है या थ्री फेज की मोटर का पूछ रहा है या वो स्ट्रॉन्स का पूछ रहा है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, इंडक्शन में ये दोनों चीजें सही हो सकती है, आपने जब ये ऑप्शन नहीं दिया है तो ये ऑप्शन सही कर सकते हो आप, समझ में आ गई बात, परंतु दोनों दिए तो आपके दोनों कथन भी सही है, उस समय कि ये बराबर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादा होता है ये कम होता है, बराबर नहीं होते, दूसरी बात ये बराबर होंगे स्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि रोटर गति स्ट्रॉन्स गति से कभी ज्यादा होता है, ऐसा कभी नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मैंने आपकी बात की स्ट्रॉन्स गति अगर रोटर गति के बराबर है तो वो स्ट्रॉन्स मोटर है, आपको ये नोट करना है, प्रेरण मोटर में स्ट्रॉन्स गति ज्यादा होगी रोटर गति से और ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है जी, पॉलिटिकल बता दो। अब देखो अगला देखो,
इसके बाद एक बात आती है कि फोनगढ़ बात सिलिप नाम सुना सभी ने सिलिप इसके नीचे लाइन ऊपर रोटर कटी की इंग्लिश की लाइन रोटर कटी स्टार्टिंग के समय शून्य होगी निकलिया रोटर गति स्टार्टिंग के समय शून्य होगी परंतु रनिंग अवस्था में एक एन ग्रेटर देन एन आर होगा तो इंडक्शन मोटर होगी थ्री फेज की इंडक्शन मोटर होगी थ्री फेज की इंडक्शन मोटर होगी अगर एन एस बराबर एन आर होगा तो वह तीन तला सिक्रोम्स मोटर होगी ठीक है जी बात कंप्लीट है ये बहुत काम आने वाला है। इसके बाद एक नाम आता है स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या बोलते हैं स्लिप ठीक है स्लिप को क्या कह सकता है पिछली बार एक नाम लिखा था स्लिप को पर्ची कह दिया था कोई बात नहीं बोल दिया था उसने वैसे पर्ची का नाम स्लिप को अलग चीज होती है पर्ची वाले स्लिप अलग चीज होती है इसलिए पर्ची बोल दिया था अपने को मानना पड़ेगा स्लिप होती है क्या होती है स्लिप स्लिप को किससे लिखा जाता है एस से लिखते बड़े से साइन किया जाता है इससे ठीक है अब ये स्लिप क्या दो गतियां आपके पास एक तो कौन सी है एनएस एक कौन सी है एनआर इन दोनों का अंतर सिंक्रोनस गति और रोटर गति का जो डिफरेंस यानी अंतर है वो क्या कहलाता है स्लिप कहलाता है समझ में आई ना बात यानी एक आपके पास क्या है सिंक्रोनस है एक आपके पास क्या है नॉन सिंक्रोनस रोटर गति बोलोगे तो ये तो गति कौन सी है इसको आप बोल सकते हो हिंदी में तुल्यकालिक गति क्या बोला जी इसको आपने क्या बोला जी इसको आपने बोला जी रोटर गति या बाहर गति बोल दो एक ही बात है इन दोनों का जो अंतर होगा वो ही क्या कहलाएगा सिर्फ कहलाएगा अंतर किसमें आएगा तो गति किसमें आती है तो स्लिप का मात्र क्या होता है आरपीएम या क्या हो सकता है आरपीएस भी हो सकता है क्या हो सकता है आरपीएस यानी सिंक्रोनस गति या तुल्यकालिक गति और रोटर गति का जो अंतर होगा वही आपकी क्या कहलाती है स्लिप कहलाती है समझ में आई है पुनीता एक तो आपका स्टेटर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा उसके पीछे कौन घूम रहा है रोटर घूम रहा है दोनों का डिफरेंस क्या है स्लिप है समझ में आ गई बात का कोई दिक्कत है जैसे सिंपल में बात करूं ये 1500 आरपीएम पे घूम रहा है ये 1440 पे घूम रहा है तो स्लिप कितनी है आपके पास 60 आरपीएम है कितनी है की बात है बिल्कुल सिंपल सी अब देखो आपको यहां पे प्रश्न दो तीन पूछेगा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखने पड़ेंगे चालन के समय चालन का मतलब होगा स्टार्टिंग टाइम क्या बोलेंगे स्टार्टिंग के समय या चालन के समय आपको कोई ये पूछ ले कि स्लिप कितनी होती है तो आप क्या बता दोगे उत्तर बताओ मेरे को शाबाश सो शाबाश और बोलो बताओ जल्दी बताओ आपको क्या पूछा कि थ्री फेज की इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर है कोई मान लो उसकी स्टार्टिंग के समय स्लिप कितनी होती है थ्री फेज की मोटर की स्टार्टिंग के समय स्लिप कितनी होती है मेरे को उत्तर पूछा आपने आपको बता रहा है जल्दी बता दो 100 नहीं होगी क्या होगी एनएस होगी क्या होगी एनएस अभी मैंने बात की आपको क्या बात की कि स्टार्टिंग के समय रोटर की गति कितनी होती है जीरो होती है रोटर रुका होगा स्टार्टिंग किस में सप्लाई किस में आएगी पहले स्टेटर में आएगी फिर रोटर में आएगी बाद की बात नहीं है बाद में रोटर चलेगा तो स्टार्टिंग किस में पहले चलेगा कौन स्टेटर चलेगा तो स्टार्टिंग किस में रोटर की गति पे जीरो पे स्टेटर का पल्स क्या करा घूमना शुरू कर चुका है
तो वो गति कौन सी, उसकी तो स्ट्रॉन्ग सर ये गति पे जीरो दोनों का हिस्सा डिफरेंस का हुआ, यहाँ पे जीरो आपको क्या बचा आपके पास एन एस बचा। तो स्टार्टिंग के समय जो स्लिप होती है वो सिंक्रोनस गति के बराबर होती है। दिमाग हमारी की बात है बोलिए, अरे बोल जाओ कौन से मन हो गए। अरे एक सिंपल बात है, ये स्टार्टिंग के समय रुका हुआ है, पहले तो ये चीज चलेगी बाद में ये चलेगा, इसके कारण चल रहा है, ये चलेगा तो ये चलेगा, ये नहीं चल रहा तो कहां चल जाएगा, ये चीज पहले तो ये चलेगा तो ये रुका हुआ था, ये तो जीरो गति पे ये चल रहा है उस समय, मेरे को पता जिस गति पे घूम रहा है वही गति आपकी स्टार्टिंग के समय, तो आपकी स्लिप कितनी होगी स्ट्रॉन्ग गति के बराबर होगी। और जो रनिंग अवस्था के अंदर स्लिप का मान गिरना शुरू हो जाएगा, क्यों मोटर गति पे आना शुरू हो गया। समझ में आ गई, आ गई ना। अब देखो आपको प्रश्न यहाँ पे ये भी पूछेगा, क्या पूछेगा, ऐसी कौन सी मोटर है जिस मोटर की गति स्टार्टिंग के समय, सॉरी ऐसी कौन सी मोटर है जिसकी स्लिप स्टार्टिंग और रनिंग अवस्था में जीरो ही रहती है, स्टार्टिंग और रनिंग अवस्था में स्लिप आपकी स्टार्टिंग, सॉरी ऐसी कौन सी मोटर है जिसकी रनिंग अवस्था में स्लिप क्या रहती है जीरो रहती है, कौन सी मोटर है सिंक्रोनस है, क्योंकि सिंक्रोनस गति में क्या है ये भी बराबर है ये भी बराबर है, अभी मैंने बात की थी यहाँ पे ये एनएस का मान किसके बराबर है, तो स्टार्टिंग के समय तो ये क्या होगा, एक बात दोनों को कंपेरिजन में थोड़ा सा समझा रहा हूं, समझना थोड़ा सा बात, बात किसकी कर रहा हूं सिंक्रोनस मोटर की कर रहा हूं, इंडक्शन की बता दूंगा कोई बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है चाहे सिंक्रोनस हो चाहे इंडक्शन मोटर हो यानी कौन सी हो प्रेरण मोटर हो, ध्यान रखना। स्टार्टिंग में पूछता है कभी भी कि स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान होगा तो आप बोलोगे दोनों की सिंक्रोनस होती होगी, दोनों की क्या होगी आपको कर लेना है कि चालने के समय चाहे वो सिंक्रोनस मोटर हो चाहे वो इंडक्शन मोटर हो उनकी स्टार्टिंग के समय जो स्लिप आती है ना वो कितनी आती है सिंक्रोनस गति आती है, कौन सी आती है सिंक्रोनस। समझ में आ गई, आगे बाद में क्या हुआ जब आपकी मोटर चलना शुरू कर देते स्लिप गिरेगी क्योंकि ये बढ़ना शुरू हो गई, पहले 100 पे गई फिर 200 इस पे चली 0 सीधा 50 हो गया था ये पहली क्लास दसवीं बढ़ गया क्या पहले दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी और बाद में आईडी कर ली बाद में बस ये आ गए कि नौकरी लाभ या गलती फंस गया, ठीक है वही बात यहाँ पे चल रही है कि पहले एक आरपीएम 2-3-4-5 स्पीड धीरे बढ़ रही है, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, रोटर की गति बढ़ रही है स्लिप का मान क्या हो रहा है कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा इंडक्शन मोटर में क्या होगा, क्या होगा कि रनिंग अवस्था में दोनों का डिफरेंस होगा कोई क्या होगी स्लिप होगी, तो स्टार्टिंग में स्लिप क्या होगी सिंक्रोनस गति होगी, परंतु सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा कि जब मोटर रनिंग अवस्था में चली जाती है ना स्लिप कितनी हो जाती है जीरो, कितनी हो जाती है क्योंकि ये रोटर गति पे ये चल रहा है सिंक्रोनस गति पे ये चल रहा है दोनों बराबर है, सिंक्रोनस मोटर में भी कितनी हो जाती है जीरो हो जाती है, बिल्कुल इससे मोटर लगाती है नोट। आपको भी हो सकता है स्लिप का मात्रक क्या है आरपीएम, अंश स्लिप का मात्रक नहीं होगा प्रतिशत स्लिप का मात्रक नहीं होगा, वो बातें बाद में पढ़ेंगे, देखो पहले सिंक्रोनस गति वह रोटर गति के अंतर को स्लिप कहा जाता है, स्लिप कहा जाता है जिसे लिखने का प्रतीक एस है बड़ा एस, मात्रक आरपीएम या आरपीएस होगा, ठीक है 16 के नीचे लिख लेना एस बराबर एन एस माइनस एन आर, नीचे नोट लगाओ लिखो सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर, सिंक्रोनस मोटर व प्रेरण मोटर
दोनों की चालन के समय स्लिप, दोनों की चालन के समय स्लिप, सिंक्रोनस गति के बराबर होगी, सिंक्रोनस गति के बराबर होगी, क्योंकि स्टार्टिंग के समय रोटर गति जीरो होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय रोटर गति जीरो होती है। लिख लिया, नई लाइन से फिर नोट लगाओ, लिखो रनिंग अवस्था में सिंक्रोनस मोटर की स्लिप, सिंक्रोनस मोटर की स्लिप रनिंग अवस्था में सिंक्रोनस मोटर की स्लिप शून्य होगी, परंतु रनिंग अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप, परंतु रनिंग अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप एनएस माइनस एनआर के बराबर होगी, एनएस माइनस एनआर के बराबर होगी। कोई दिक्कत है तो ये बातें स्लिप की ओर से कल पड़ेगी, ठीक है भाई।